आज पूरे संसार में कोरोना का कहर छाया हुआ है, हर एक डरा हुआ है। कोरोना वायरस सबसे खतरनाक वायरस में एक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ मालवीय नगर क्षेत्र में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 25 दिनों से राजीव मिश्रा भाजपा उपाध्यक्ष के जरिए गरीब और बेसहारा लोगों को लगातार राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर सुरेश मिश्रा की एक रिपोर्ट। 25वां दिन है और सच में मैं साधुवाद देता हूं पूरी टीम को, जिस तरह से रात दिन लगातार इन लोग मेहनत कर रहे हैं। और सच में मुझे आज बड़ा प्रशंसा का दिन है कि आज 25वां दिन है और इन लोग आज सामग्री तैयार कर रहे हैं। लगातार सामग्री तैयार होती है, यहाँ पे 2000 पैकेट रोज सामग्री तैयार हो रही है। और सच में मेरे जो वॉलेंटियर लगे, 182 वॉलेंटियर लगे हैं, वो बस्तियों में जा जाकर वहाँ पे सूची बनाते हैं, सूची बना के वहाँ पे अनाज बटाने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ी साधुवाद दे रहा हूँ जो ममता चैरिटी ट्रस्ट के सदस्य हैं। और मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ, मेरे पास टोल फ्री नंबर आ रहे हैं और तत्काल मैं उनको अनाज पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मैं प्रशासन को भी बधाई दे रहा हूँ कि 4 गाड़ियों का उन्होंने पास दे रखा है। और जिस तरह से वो जहाँ से फ़ोन आ रहा, अभी मेरे पास इंदिरा नगर से आया, मेरे पास बिनेखंड से आया, मेरे पास पारा से फ़ोन आया, मेरे पास हैदरगंज से फ़ोन आया, वहाँ पे तत्काल अनाज पहुँचाने का काम हमारी टीम कर रही है। मैं सच में अपनी टीम को साधुवाद देता हूँ। लगातार जो आज 25वां दिन है ममता चैरिटी ट्रस्ट का, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैंने ये कहा था, जो मोदी जी का सपना है कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा और लखनऊ में कोई भूखा नहीं रहेगा, ये ममता चैरिटी ट्रस्ट का वादा है। एक एक व्यक्ति के अनाज पहुंचेगा और वहां पे कोई मजदूर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई प्रकार के व्यक्ति हो, वो भूखा नहीं सोएगा, ये ममता चैरिटी ट्रस्ट का वादा है। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही जहाँ एक तरफ मनुष्य को खाने पीने के इंतजाम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उन बेचारे डॉग्स का क्या होगा जिनके लिए लोग उनकी तरफ ध्यान दें, वो भी भूखे प्यासे हैं। हमारी चैनल की एडिशनल एडिटर मधु सिंह जी उनके बारे में फिक्रमंद हैं और कहती हैं कि मैं काफ़ी समय से लावारिस डॉग्स को देखरेख भी करती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, और ऐसे लॉकडाउन के मौके पर जब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है तो उन बेचारों को खाना कैसे दिया जाए, इस संबंध में मैं कार्य कर रही हूं। तो हमारे सुरेश मिश्रा की एक रिपोर्ट ये है कि उनकी जो कार्य है उसको किस तरीके से कुत्तों को खाना खिलाना, किस तरीके से उन बेजवान जानवरों की भूख मिटाना, एक बहुत बड़ा अपने आप में पुण्य का काम है। मैं ले चलता हूँ आपको मधु सिंह के वर्क को दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं मधु सिंह डेक्यू न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मेरी दुआ है आप लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोग अपना ख्याल अच्छे से रखिए और बाहर जाइए तो मास्क लगा के जाइए। और आसपास में हम सब तो कुछ ना कुछ कैसे कैसे कर ही लेते हैं, बट वो जो हमारे जानवर हैं जो हम लोग की देखभाल करते हैं, रात में पहरेदारी करते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स डॉग, तो आप लोग निकले तो एक रोटी उनको ज़रूर दें। और फिर आपको देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी आएंगी, आपको यकीन नहीं होगा कितनी खुशी आ जाएगी कि आपको सोच में रह जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, अच्छे से देखभाल करिए उनका भी, क्योंकि हम लोग ने तो स्टॉक जमा कर रखा है, बट क्या कहते हैं, उन एनिमल्स बेजुबान जानवर हैं, उनको कौन देगा, हम ही आप देंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ उन लोग की भी देखभाल अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। कोई भी अपने घरों के बाहर ना निकले,
और कोतवाली में मिलानीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। जो भी घर के बाहर आए जाते हैं निकलते हैं देखते ही गोली मार दी जाएगी। कोई भी अपने घरों के बाहर न निकले और कोतवाली में मिलानीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। जो भी घर के बाहर आए जाते